डुवर्समा वन्य जन्तुहरूको बढ्दो रगरगी, फेरि चितुवाको आक्रमणमा चिया श्रमिक घाइते। डुवर्समा दिन प्रतिदिन वन्य जन्तुहरूको रगरगी बढ्दो छ। कहिले बाइसनले आक्रमण त कहिले चितुवाको आक्रमण, अनि कहिले हात्तीको ताण्डव। यस्तै एउटा घटना फेरि घट्न पुग्यो। चितुवाको आक्रमणमा एकजना चिया श्रमिक 48 वर्षीय तारमुनि खेरवार घाइते भएकी छन्। सोलकापाडा ग्रामीण अस्पतालमा अहिले उनको उपचार चलिरहेको छ। घटना हो डुवर्सको नगरकटा ब्लक अन्तर्गत गठिया चियाबारीको 3 नम्बर सेक्सनको। शुक्रबार बिहान तारमुनि खेरवार सधैँझै कमानमा गएकी थिइन्। काम अवधि 81 चितुवाले आक्रमण गर्दा तारमुनि गम्भीर घाइते हुन पुगिन्। तिनी चिच्याउन थालेपछि अन्य कामदारहरू घटनास्थलमा पुगी उनलाई तत्कालै गठिया चिया बगान अस्पताल पुर्याउने काम गरे। त्यसपछि तिनलाई सोलकापाडा अस्पताल लगियो। उक्त घटनाले गठिया चिया श्रमिकहरू आतंकित बनेका छन्। खुनिया रेन्जका वनकर्मीहरू घटनास्थलमा पुगेर चितुवाको खोजी गरिरहेका छन्। और एक बाद में अगर गौरस के साथ में घटना हुई जल्दी इसने चुप रहा भाई के हम बैठो हो तो हम जा हम जा यहां थोड़ा क्या कर होई है नी हम इन बैठे हुए तो हम संगे संगे जा अगर की एरिया और एरिया में क्या फर्क है हां तो हम नी रही छुआ ओ तो नी ऊ बैठ रहा ऊ पंकेटी ऊ पखाई गढ़ा बटे ऊ बैठ कर आज में गाठिया चा बगन में मोती डिवीजन में करीबन 10 बजे टाइगर अटैक हुआ है। पेशेंट का नाम है तारामुनि खेरोवर 48 ईयर्स। इनका करीबन 15-16 दिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन जानकारी दिया गया है। वो लोग तुरंत ही आ जाएंगे। उसके बाद में हम लोग पेशेंट को सोलकापाड़ा हॉस्पिटल फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रेफर करेंगे। सुनिए डॉक्टर किंकर पंडित। आईलिड क्रीज क्रिएशन और डबल आईलिड सर्जरी और अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी या आप बोल सकते हैं मंगोलियन आईलिड सर्जरी या एशियन आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी, ये सब जो टर्म है एक ही टर्म है। आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि जो अपर आईलिड है उसमें अगर आपके क्रीज नहीं है तो हम लोग इस क्रीज को क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर को हम लोग डबल आईलिड सर्जरी या एशियन आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। ये जनरली आप देखेंगे जो हमारे जो मंगोलियन फेसेस हैं में, जैसे कि जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग अपने दार्जिलिंग और सिक्किम और नेपाल के लोग हैं या इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं, उनके जो अपर आईलिड है उस पर क्रीजेज नहीं होते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसके द्वारा कि हम ये क्रीज क्रिएट करते हैं। आपकी जो फेस है उसका जो ब्यूटी है उसको हम लोग इन्हांस कर सकते हैं। आईलिड सर्जरी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर में हो जाता है, बहुत ही लो कॉस्ट में हम लोग यहाँ पर करते हैं और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस मिनिमम है। और आप रूटीन एक्टिविटी सेकेंड डे से ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक छोटी सी सर्जरी से अपने चेहरे का जो ब्यूटी है या जो पेरी ऑर्बिटल रीजन जो आईज की जो ब्यूटी है उसको आप इन्हांस कर सकते हैं। मैं आपको अपने कुछ रिजल्ट्स के बारे में दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इसमें जो पहले का जो फेस है, जस्ट यू कैन सी, ये पहले का फेस है और ये बाद का फेस है, दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे। जस्ट सिर्फ और सिर्फ हमने आईलिड सर्जरी जिसमें की है, तो आईलिड सर्जरी करने के बाद जो फेस का जो डलनेस या जो हैवीनेस दिखता है पहले वो खत्म हो जाता है। मीन्स आप मोर यूथफुल और मोर यंग दिखना शुरू होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है यह सर्जरी कराने में तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।